एशिया कप 2023 को लेकर बड़ा अपडेट आज भारत और श्रीलंका के बीच है कांटे की टक्कर। टीम इंडिया के पास 5 साल बाद है खिताबी मुकाबला जीतने का मौका। एशिया कप 2023 का फाइनल मुकाबला आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इसकी शुरुआत जो है कोलंबो के आर प्रेमादास स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार दोपहर 3 बजे ये मैच स्टार्ट होगा। टॉस जो है दोपहर 2:30 बजे होगा। कोलंबो में आज बारिश की 90% संभावना है। वहीं फाइनल मैच आज जो है बारिश के कारण रद्द हो जाता है तो कल जो है इसको रिजर्व डे पर रखा गया है। यदि रिजर्व डे पर बारिश होती है तो भारत और श्रीलंका दोनों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया जाएगा। वही ये भारत के पास 5 साल का यहाँ पर खिताबी सूखा खत्म करने का मौका होगा, जबकि जो डिफेंडिंग चैंपियन श्रीलंका है वो अपने खिताब को बचाव करने के लिए उतरेगी। वही दोनों टीमें जो है एशिया कप के वनडे फॉर्मेट के फाइनल में 8वीं बार आमने सामने होगी। इससे पहले खेले गए 7 फाइनल में 4 भारत ने जीते, 3 श्रीलंका ने जीते हैं। वही हेड टू हेड के रिकॉर्ड की बात करें तो ओवरऑल दोनों टीमों के बीच अब तक 167 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इसमें भारत ने 97 और श्रीलंका ने 57 जीते हैं। 11 मैचों का कोई रिजल्ट नहीं निकला। एशिया कप की बात करें तो एशिया कप में दोनों टीमों के बीच 20 मैच हुए हैं जिसमें 10 श्रीलंका ने जीते और 10 भारत ने जीते हैं। वही आज के मैच की प्लेइंग 11 की बात करें तो प्लेइंग 11 में आज टीम इंडिया में रहेंगे कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल, विराट कोहली, केएल राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर और जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज। और श्रीलंका की प्लेइंग 11 की बात करें तो श्रीलंका में कप्तान सानका और पिथुम निशंका, कुशल परेरा, कुशल मेंडिस, सदीरा समरा विक्रमा, चरिता असलंका, धनंजय डी सिल्वा और दानुत वेला लागे, मतीस पितिराणा और प्रमोद मधुसन और इसके अलावा दासुन हेमंता।